इसके ऊपर, जब इसके ऊपर ये ज्ञानावरणीय कर्म बंधा है, कर्म के कारण आत्मा अशुद्ध हो रही है। ये यहाँ पर आत्मा के ऊपर दर्शनावरणीय कर्म बना, आत्मा और ज्यादा अशुद्ध हो गई। ये यहाँ पर जो है मोहनीय कर्म बन गया था, ये ज्ञानावरणीय कर्म था, ये दर्शनावरणीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म है, और इसके कारण आत्मा और अशुद्ध हो। इधर ये जो है कि जिसके अंदर ये ऊपर अंतराय कर्म बनता है, इन कर्मों के कारण अब ये जो जो कर्म जिस प्रकार के कर्म बनते गए बनते गए बनते गए, आत्मा बहुत ज्यादा अशुद्ध होती गई। अशुद्ध होना मतलब क्या है? जब शुद्धिकरण था आत्मा का, जितने ज्यादा गुण आत्मा के प्रकट थे उतनी आत्मा शुद्ध थी। जस्ट लाइक दैट, वॉट एवर टाइप ऑफ द क्लॉथ वी आर वेयरिंग, यू सी वी आर जस्ट वॉशिंग इट, वॉश करके उसको अच्छी तरह से आयरन कर देते हैं, वी आर जस्ट वेयरिंग दिस टाइप ऑफ नीट एंड क्लीन क्लॉथ। ये आपकी जो है पर्सनैलिटी में उपयोग में आता है, आप कितने साफ सुथरे हैं, ये आपको कपड़े भी आपकी अपनी प्रभावता में वृद्धि करते हैं। सेम लाइक दैट, अब ये सफेद कपड़े मलिन तो होने, गंदे होने, मैले होने, धूल मिट्टी लगेगी, पसीना लगेगा, मैल जमेगा, कपड़ा खराब होगा। तो ये जो कपड़े पर खराबी आई, मैल आया, वो बाहर से आया। आत्मा पर क्या है? आत्मा अपने गुणों से परिपूर्ण है, गुणपूर्ण है, गुणों से शुद्ध है। अब इन गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म बन जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अब यही हुआ है, अब हमें आत्मा को अपनी तरह से शुद्ध करना। ये शुद्धिकरण कैसे होगा? इसका शुद्धिकरण करने के लिए ये जो आवरणीय कर्म बंधे हैं, अब इन कर्म के आवरणों को बाहर निकालना। तो जैसे जैसे ये कर्म के आवरण जो है, वो कर्म जो कार्बन वर्गणा के रूप में थे और वो यहाँ पर वही है, अब ये बाहर निकालने का हम प्रयत्न करें, और जितने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु बाहर निकल जाएंगे, फिर वापिस आत्मा का शुद्धिकरण होता जाएगा। ये है वे। अब ये कौन करे, कैसे होगा सर? चलो हमने कपड़ा तो जो है साबुन में धो लिया, वेन वी जस्ट वॉश द क्लॉथ यू सी, कपड़ा शुद्ध हो जाता है। सेम लाइक दैट, यहाँ पर ये कपड़े का शुद्धिकरण कौन करेगा, कैसे करेगा? करता तो आत्मा ही है ना, आत्मा को तब से ही करता। मुख्य लक्ष्य यहाँ पर यही, तो ये तब के अंदर जो है, ये एक ऐसा विशिष्ट गुण है कि जितने भी कर्म के आवरण हैं, इन सब कर्म के आवरण को एक तप धर्म ऐसा प्रज्वलित किया जाए। ये तप धर्म प्रज्वलित होकर के अब इस कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को, ये जितने भी आत्मा पर लगे हुए हैं ना, ये सब कर्म है, अब इनकी निद्रा करनी है, जितने प्रमाण में संभव हो सके। तप का कार्य यही है कि ये आत्मा के जो जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा में आए थे, इनको वापिस आत्मा से बाहर भेजना, ये है तप का कार्य। चलो, कैन यू रिपीट आरती बहन, बोलो, समझ में आया? जितना तप करिए तो वधारे शुद्धि आत्मा थाई। All types of karmic atoms which is already came inside the soul, it covers the gunas, the virtues, that is one type of ashuddhi.
नाउ व्हाट इज अवर ड्यूटी जस्ट टू रिमूव ऑल दिस कार्मिक एटम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड दैट इज कॉल्ड नेचर कैन यू डू दीज थिंग्स थ्रू विच वी कैन जस्ट सेंड ऑल द कार्मिक एटम्स आउटसाइड वी पुल इट एंड जस्ट थ्रो इट आउटसाइड दैट इज कॉल्ड निर्जरा ये कर्म क्षय करना है और इस तरह से कर्म की निर्जरा हो जाए हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। ये कराने वाला तब ये कार्य करने में सक्षम जो समर्थ है वो है ये तप धर्म है तो तप से ही ये कार्य होने वाला है अन्य किसी से नहीं होगा औरों का दूसरों का काम नहीं है। तो ये तप धर्म जो है कैसे करें क्या करें हमारा कर्तव्य क्या है तो तप धर्म करने के लिए भगवान ने कहा कि बहुत ही ये पावरफुल है। अब तप के अंदर भगवान ने ज्ञान भी जोड़ दिया दर्शन भी जोड़ दिया है इधर से आत्मा का चारित्र भाव वो भी जोड़ दिया है ये अनंत वीर्य जो गुण है ये भी जोड़ दिया है ये गुणों का सबका आचरण करना है तब जाकर के ये तप धर्म काम करे तो रिजल्ट लाएगा वैसा रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट के उद्देश्य से ही है ये तो मुख्य लक्ष्य इसका है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं इसका विधान यहाँ पर बरोबर दिया है तबो ये दुवी हो तो बाहिर अभ्यंतर हो तहा बाहिरो छवि हो तो एवं अभ्यंतर हो तबो यहाँ पर कहा है कि इस लक्ष्य से मतलब जिसको भी तप करना है पहले वो अपना उद्देश्य बना ले मुझे कर्म क्षय कर मुझे निद्रा करनी है मैंने जो जो पाप कर्म कर लिए हैं अब इस जन्म के हैं पिछले जन्म के हैं जिस जन्म के हैं वो साथ में आ चुके हैं नाउ आई वॉन्ट टू रिमूव इट अब मुझे करना ही करना है कैसे भी करना है ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब मुझे बाहर निकालना है तो उसको यहाँ तब करना है। तो यहाँ महावीर स्वामी ने इस तब के दो डिवीजन कर दिए सब अब तब के दो डिवीजन करके एक तरफ जो है ये बाह्य तब नाम दिया अब एक तरफ ये बाह्य तप नाम दिया है और दूसरी तरफ ये आभ्यंतर नाम दिया हाँ जी थोड़ा सा ध्यान से समझिए बाह्य तप नाम देने का मुख्य कारण ये है कि आत्मा इस समय अपने अंदर बाहर बाहर जो है ये शरीर बना करके बैठी है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बॉडी जिसमें हम बाहर को जो शरीर मिला है विद द हेल्प शरीर की प्राधान्यता शरीर की हेल्प लेकर के हम जो तब कर सके वो बाह्य अब जिसमें शरीर की हेल्प कम है स्पिरिचुअल पावर आत्मा का ही है अभ्यंतर शक्ति आत्मा अपनी अंदर की शक्ति से ये प्रवृत्त होती है तो यही काम कर अब ये जो काम करे चले वो है आपका अभ्यंतर तप। अब यहाँ पर क्या कहा है बाहिरो छवि हो तो ये सिक्स टाइप का बाहर का तप है और सिक्स टाइप का अंदर में आत्मा का भी तप दोनों को छह छह प्रकार बता करके यहाँ तप धर्म का वर्णन किया। अब आप ये करो कि ये करो बाह्य वाला करो कि आभ्यंतर वाला करो बोथ आर द सेम रिजल्ट से माना चाहिए रिजल्ट के अंदर कमजोरी ना हो जो हमारे पुराने अंदर ये सब क्या है
ये कर्म की प्रकृति है। ये पुरानी कर्म की प्रकृतियां जो हम बांध करके बैठे हैं, जन्म जन्म के कर्म साथ में लेकर के आए हैं। अब इन जन्म जन्म के कर्मों को हमें वापिस जो है बाहर निकाल, अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे? कर्म तो कर्म ही है, हम नहीं बांधे हैं तो कर्मक्षय भी हमको ही करना है। जैसा कि आप सभी बोलते ही हो नवकार महामंत्र के अंदर, सब पाप पणासनो, सब पाप कर्मों का नाश करना है। अब ये सबको समझना है, मैं पाप करता हूं, मैंने पाप किया हुआ है, पहले भी किया हुआ था, और करके ही कर्म बांधे हैं। अब वो कर्म कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट लाइफ में मेरे साथ आ जाते हैं, तो ये मैं रियलाइज कर लूं, और मेरे पास इतना सक्षम धर्म है। क्या ऐसा धर्म है कि जो मेरे पुराने किए हुए संचित पाप कर्मों का क्षय करा, निर्जरा करा, ये मुझे तब धर्म ऐसा तब धर्म जो मिला है। अगर मैंने रिजल्ट नहीं लाया तो गलती मेरी, और मैं रिजल्ट लाता हूं अच्छी तरह से तो प्लस पॉइंट में फायदा भी मुझे ही रहेगा। ये अगर मैं कर सकता हूं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। अब ये तो तब धर्म सबसे ज्यादा काम, ज्ञान से भी आप निजरा कर सकते हो, दर्शनाचार से भी निजरा कर सकते हो, चारित्राचार से भी निजरा कर सकते हो, क्योंकि आत्मा का मुख्य गुण है। और नियम ये बताया है कि जो आत्मा अपने गुणों में तल्लीन रहे, वो निश्चित रूप से गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्मों की निजरा करती ही कर, इसमें कोई दो राय नहीं। गुण जब आए हैं, गुण इकट्ठे हुए हैं सब, और इन गुणों का हमें आचरण करना ही करना है सब, है किस पर? पूरा धर्म का पूरा आधार ही गुण पर। अब ये कर्म क्षय करने के लिए, जैसा कि हमको यहाँ पर अलग अलग रूप से बताया, अब ये बाह्य तप और ये आभ्यंतर तप, अब इनका रिजल्ट लाने के उद्देश्य से तो ये तब के अंदर ये जो है बाह्य, नंबर एक। अब आप इस नंबर एक के अंदर क्या करेंगे? अनशन। ये जो हमें करना है तो इसमें आप क्या करेंगे? जो एक-एक के बारे में दिया है, एक नंबर ये दिया, दूसरा नंबर है खूनोदरी, अब तीसरे नंबर के आप चलेंगे, समझे कि नहीं? आपको यहाँ पर ये भी ख्याल आ जाएगा, एक-एक से एक-एक जो हम कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है। तो ये अनशन है, खूनोदरी है, वृत्ति संक्षेप है, फिर ये चौथा है रसद त्याग है, ये पांचवा है अंत। काय क्लेश है, और ये छठे नंबर का है अंगोपांग संलीनता है। तो ये छह हुए बाहर के शरीर के हेल्थ वाले जो है, आप इससे भी निजरा करो, इससे भी करो, इससे भी करो, जिससे करना चाहते हो करिए। अब संसार है, संसार में अनंत जीव, और संसार के अनंत जीवों के सबकी दृष्टि से भगवान ने धर्म की व्यवस्था की है। भाई ये धर्म की व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि इससे भी आप इन कार्मिक एटम्स को बाहर फेंक सकते हो, जो ऑलरेडी पुराने कर्म बंधे हुए हैं,
अब उनको कैसे क्षय करना है, घटाना कैसे है, बाहर फेंकना कैसे है, ये अपॉसिबल है हमारे लिए। इसलिए यहाँ पर ये बाह्य के 6 प्रकार। अब इसमें एक एक को विशेष रूप से आप स्टडी कर लो, आपका ख्याल आ जाएगा। सेम लाइक दैट, अब इस तरफ भी आइए साहब, ये आभ्यंतर कक्षा के हैं। इसके अंदर पहला जो है प्रायश्चित है, ये है दूसरा विनय है, इधर ये तीसरा वैयावच है, इधर ये चौथा जो है ये स्वाध्याय का है, ये पांचवें नंबर पर इधर जो है ध्यान का आ रहा है, और ये छठे नंबर पर कायोत्सर्ग का है। इधर के ये 6 अभ्यंतर कक्षा के आत्मिक दृष्टिकोण से, डायरेक्ट आत्मा से कोई आप शरीर की शक्ति का माप प्रमाण नहीं कर सकते, इसमें शरीर की शक्ति के माप प्रमाण से चलेगा, लेकिन ये इससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया। ये भी रिजल्ट यही देने वाला है, कार्मिक एटम जो आत्मा में पहले से आकर बंधे हुए उनका क्षय कैसे करे, निजरा करे, ये उनकी निजरा करे, उद्देश्य वो ये दोनों का। अब इधर ये 6 और इधर ये 6 12 प्रकार के हो गए। अब आपको एवरी डे जो है सिलेक्ट करना है, विच शुड आई डू, विच वन इज पॉसिबल फॉर मी टूडे, विच वन इज मोर इजियर देन दैट। अब इस समय मैं कहाँ किस कक्षा में क्या कर रहा हूँ, उस समय मुझे कौन सा करना है, वो आप ध्यान दे करके करेंगे बरोबर होगा। सर जी एक मिनट, एक सर जी हाँ एक मिनट, जरा ये एग्जाम्पल देंगे, ये 6 प्रकार के आपने उनोद्री अनशन और ये किए, तो थोड़ा एग्जाम्पल जो प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं तो उसका थोड़ा एग्जाम्पल देंगे तो हम रिलेट कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूं। हाँ, नंबर 1 अनशन, ये शब्द है अनशन, अनशन का मतलब है भोजन करना, खाना है, एनीथिंग वी कैन ईट इट। तो ये हमारा जो भोजन जो बनता है उसमें जो है ये 4 प्रकार, अब इन चारों में से हम जब खाते हैं, इसमें अर्शन के अंदर रोटी सब्जी दाल चावल सब आ गया, इसमें पीने के लिए दूध है छाछ है पानी है ये आ गया, खाने पीने में औषधियां है फलाहार है फ्रूट्स है ड्राई फ्रूट्स है वगैरह आ गया, और स्वादिष्ट के अंदर मिठास वगैरह जो है टेस्टी चीजें जो है वो आके भोजन के बाद भी लोग जो है खाते हैं। अब इसके अंदर सीधा ये अशब्द, इट इज फॉर नेगेशन, अश न तो अनश न बनाया, और निकाल करके पूरा आहार का त्याग करना है हमें, इसके लिए जो है इसका त्याग वाची शब्द अ जोड़ करके अनशन। आप हमेशा तो नहीं कर सकते, परमानेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप करने जाओ, जिस दिन आपकी इच्छा हो कि मुझे आज करना है, उस दिन आप ये जो है लक्ष्य बांधो कि 4 प्रकार के आहार का मैं त्याग करूं, 1 2 3 4। अब कोई 4 प्रकार के आहार का करे तो ये 4 हो गए, अब कोई 3 ही प्रकार का करे तो यहाँ पानी के छूट रख करके करे तो वो जो है 3 प्रकार के आहार का त्याग करेगा, पानी की छूट रखेगा, 4 प्रकार के आहार का त्याग करेगा, वो 4 छोड़ करके प्रतिज्ञा करेगा,
आज का उपवास में चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, पानी भी नहीं पीऊं। अब जिसको जैसा करना है करे, कोई कैसा करे, कोई कैसा करे, कोई ऐसा करे, अपनी अपनी इच्छा का प्रश्न, जिसको जिस तरह से जैसा करता है। तो यहाँ पर ये जो तरीका बताया है, अब देखिए अपने अपने तरीके से है भाई, सब रोज करने वाले हैं, कोई कितना करे कोई कितना करे, प्रतिज्ञा पूर्वक है, आप प्रतिज्ञा लेंगे वैसी प्रतिज्ञा बनेगी उसी हिसाब से। हाँ ये आप समझ गए, अब अनशन जो है ये समझ गए। अब इसके साथ में दूसरे नंबर पर आया है उनोदरी। उदर शब्द ये पेट के लिए है। तो पेट हमारा जो है शरीर के अंदर, अब ये जो पेट है तो पेट के आप चार भाग कर लो। अब यहां पर हमने पेट के चार डिवीजन कर लिए, तो ये आपको समझाया गया कि ये आपको आहार से भरना है। थर्ड मोशन, ये आहार आपने जो लिया तो शरीर जो है पूर्ण उदर, और ये एक भाग हमने पानी के लिए रखा है। ये गैसेस के लिए है। अब नियम तो ये है कि इसी नियम से खाना चाहिए, सबको भोजन करना है तो ये नियम पालना है। हम आधा पेट खाए, एक भाग पानी के लिए रखे, एक भाग गैसेस वायु के लिए रखे, ताकि निरोगी स्वस्थ जीवन आप जी। अब इसमें कहीं प्रश्न न आए, लेकिन लोग जो है वो सोचते हैं कि आज तो भोजन दूसरों के घर बाहर जाके करना है, तो वो भी पानी को भी जो है छोड़ करके इधर भी आहार भर लिए हैं। फिर वो सोचते हैं कि गैस के लिए खाली रखने क्या है, चलो ये भी भर लो, देखा जाएगा बाद में। तो वो जो है इसमें भी आहार भर, दैट इज कॉल्ड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब पेट जो है उंगोदरी नहीं रहा, पुरोदरी हो गई। ये भी भाता है, ये भी भाता है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद, ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी ज्यादा चखाना है, अपनी इच्छा का विषय आ गया बीच। हाँ अब महावीर यहाँ ना कह रहे हैं, जितनी इच्छा ज्यादा छोड़ोगे उतना कर्म बंध भी ज्यादा, जितना राग द्वेष ज्यादा करोगे उतना कर्म बंध आपका ज्यादा होगा। ये आप पहले डालिए, समझे कि नहीं। ये डालने के लिए आपको क्या करना है, तो सीधा नियम दिया गया है कि पहले आप उनोदरी को लक्ष्य में ले लो। मैं उदर, ये उन शब्द है, उनका संस्कृत फॉर्म दिया है निम, कम पेट खाना। आप अपना कम पेट में ये सोचिए, योर फूड आइटम्स और लिमिटेशंस अबाउट द फोर चपाती, सो व्हाई नॉट टू रिमूव वन चपाती, और आप तीन खाइए एक छोड़िए। सा तीन खा करके एक चपाती छोड़ सकते हैं, तो आपका पेट इतना भाग तो खाली तो रहेगा, इतना पोर्शन आप खाली छोड़ रहे हो इच्छा से छोड़। जब कोई और वस्तु आ गई आप उसको छोड़ोगे, तो ये उनोदरी आपके लिए इच्छा का त्याग है। जो हम राग कर रहे थे, मोह कर रहे थे, ज्यादा खाने की इच्छा कर रहे थे, वो अब आपने घटा दी है, ये आपका तप इस तरह से निर्जरा कारक बनेगा। इच्छाओं पर ज्यादा नियंत्रण दिया गया है। इसी के रूप में तीसरा भाग जो दिया गया है, अब वो आपको दिया गया है वृत्ति संक्षेप।
संक्षेप करना है, शॉर्ट करना है। अब आपके सामने भोजन के अंदर जो है देर आर द 50 आइटम, अब क्या करना है यहाँ पर, सामने वाले ने आपके लिए 50 आइटम्स तैयार की है, या जहां भी जाओ तो दुनिया भर के अनेक आइटमें होती है। अब कहीं मैंने अंदाजित फिगर लिखा है देर आर सम 100 आइटम्स, कभी किसी ने और आइटम्स बताए, किसी ने और आइटम्स बताए, तो ये जो है एक अलग वस्तु हो गई। कितने प्रकार हो गए उसमें, कितने तरीके हो गए, कितने प्रकार की आइटम हो गई। अब इसमें से आप सब खाने जाओगे, आपकी इच्छाएं कितनी बढ़ेगी, फिर आपका लोभ कितना बढ़ेगा। नो नो नो, ऑल द आइटम्स, आई वॉन्ट टू ईट ऑल द आइटम्स, आई वॉन्ट टू ईट द मैक्सिमम आइटम्स, आई वॉन्ट टू ईट द नॉट 50 बट इवन 100 आइटम्स आर देयर, आई एम रेडी टू ईट इट। ऐसा करने से नुकसान तो आपका ही है, शरीर का नुकसान, शारीरिक नुकसान रहेगा, और शरीर का नुकसान होगा तो आत्मा को भी तो नुकसान ही है। शरीर का क्या नुकसान होगा, नुकसान तो आत्मा का ही ज्यादा होने वाला है। तो बेटर टू अवॉइड दैट। आपने 50 आइटम में से फाइनल किया वृत्ति संक्षेप, आपकी जितनी इच्छाओं का लिमिटेशन जो करना है, नो आउट ऑफ 50 आई विल टेक ओनली द 10 आइटम्स, फिनिश। यू आर जस्ट अवॉइडिंग द 40 आइटम्स देयर। अब वॉट एवर भी अलग अलग प्रकार के 50 आइटम में जो भी हो, ये भी है वो भी है, ये भी है वो भी है, जो भी है, आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मुझे नहीं खाना, मुझे छोड़ना है। ये है वृत्ति संक्षेप। तो आप अपने लिमिटेड आइडिया आइडियाज पर चलेंगे सर, फिर ये पसंद है कि वो देखो, ये लाओ और वो लाओ, ये देखो और वो देखो, नहीं कुछ भी नहीं। इच्छा का त्याग करना यही तो सबसे बड़ा धर्म है ना। फिर नए कर्म में क्यों बांधू साहब, तो ये जो है यहाँ पर 50 आइटम में से आप जितनी लोगे उस हिसाब से है। अब उसमें से आपने अपनी तरफ से पहले ही त्याग कर दिया, आइटम ही घटा दिए सर। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर आया रसद त्याग। ये हमारे रस हैं, इसके अंदर 5 रस, अलग अलग जो हमारे टेस्ट हैं। आई वॉन्ट टू ईट ओनली द स्वीट टेस्ट, वॉट एवर द थिंग विच कंटेन द स्वीट टेस्ट, आई वॉन्ट टू ईट ओनली दैट विच, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू ईट द बेटर टेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू ईट द सॉल्टी टेस्ट। तो ये सब हमारे जीव के कारण हो रहा है। अब जीव के राग द्वेष में निमित्त बनने वाले ये सब टेस्ट आजकल लोगों को हो गया, बस वो टेस्ट को ही प्राधान्यता दे रहे। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया भर के अंदर देखो, स्ट्रीट फूड है, होटल फूड्स है, या हाउस फूड है, तो घर में है या बाहर की दुनिया में जहां पर भी है, एवरीवेयर पीपल्स आर गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू द टेस्ट, ऑलवेज ऑल द टाइप्स ऑफ टेस्ट। तो ये सब जगह पर आप टेस्ट टेस्ट करने जाओगे तो क्या परिणाम आएगा। और फिर टेस्ट के पीछे थोड़ा कम ज्यादा हो गया, जस्ट लाइक 19-20 हो गया, थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया तो आपको टेस्ट के पीछे राग द्वेष करना पड़ता है, क्लेश कसाय करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, उसका कर्म भी तो हमको ही बंद होता है ना। कर्म बंद तो होना है, तो बेटर टू अवॉइड दैट। समझे, आप कैसे अवॉइड करोगे, एनीथिंग विच कंटेन द टेस्ट आई विल अवॉइड, मुझे कोई फर्क नहीं। अंदर आत्मा में देखिए पहले, टू टेक द पर्टिकुलर टेस्ट
आपके व्यवसाय में विचारों में और भावों में वैसी वृत्ति आती है और फिर कर्म का बंध होता है। महावीर तो बहुत दीर्घ दृष्टि से समझा रहे हैं, बहुत लंबी दीर्घ दृष्टि रखी है कि उससे हम कैसे समझ जाए। तो ये जो टेस्ट है इनको आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे घटा, थोड़ा सा भी कम ज्यादा हुआ फिर आगे से आ जाएंगे। एक श्रावी का है, जल्दीबाजी के अंदर उसने शक्कर की जगह नमक डाल दिया चाय में। अब आप तो आपका दिमाग एकदम साथ में आसमान पर चले जाएगा, फिर आप लड़ने झगड़ने तैयार हो जाओगे, वो चाय उठा करके वाइफ पर फेंकोगे आप। ये सब नहीं करना है हमें, क्या फर्क पड़ गया है? अरे शरीर तो पुद्गल का ही तो पिंड है, वर्ण गंध रस स्पर्श का ही तो बना हुआ पिंड है, करना क्या है इसको? क्यों ऐसे राग द्वेष करें हम? ऐसे कर्म बांध करके क्या फायदा? टेस्ट नहीं भी आया, आज का दिन हमने खा लिया पी लिया तो क्या फर्क पड़ गया ऐसा? टेस्ट के पीछे राग द्वेष करके कर्म बांधना उचित नहीं है। तो ये हमें छोड़ना है रसद प्यार। अब यहाँ पर छह प्रकार की विगई है, चले ये छह विगई भी है। अब आप कौन सी त्याग करना चाहते हो एवरी डे लाइफ के अंदर, आप इसमें से ये कौन सी त्याग करो, या इन पांच रसों के अंदर आप ये देखिए आप कौन सा त्याग करते हो। ये है मीठा रस, ये खट्टा रस, ये तीखा रस है, ये कड़वा रस है और ये खारा रस। खारा रस आ रहा है आपके नमक आदि के अंदर, बीटर टेस्ट आ रहा है कड़वे के अंदर का। तो ये आपको पहले देखना है कि मैं कौन सा यूज करता हूँ। हल्की सी भी तीखापन, लाल मिर्ची कम है तो भी नहीं चलता है, नहीं और ना। तो ये जो है रोज अगर आप करेंगे तो कर्म बंध तो रोज होने वाला है। रसों के कारण कर्म का बंधो बेटर के रस का ही त्याग कर, आत्मा को पनिशमेंट देना है। हमको इस प्रकार के रस नहीं चाहिए, ये हम त्याग करते हैं तो इससे हम आत्मा को कर्म बंध से बचा सकेंगे। था एक और है फिफ्थ बंध जो है काय क्लेश, ये पहले आपको समझना है कि आखिर शरीर के अंदर तो आत्मा है, अब ये जो आत्मा है और आपको ये देखना है कि इसी आत्मा के साथ ये शरीर बाहर का जुड़ा, तो शरीर के साथ अंदर कौन है? शरीर के साथ चेतन आत्मा ही है। अब आत्मा को संभालने के लिए, कर्म क्षय करने के लिए हम काय को क्लेश, काया को कष्ट दे, शरीर को कष्ट दे रहा। आपने आज दिन तक हर बात पे क्या सीखा है? नहीं, शरीर को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, काया को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस हम आसानी से ऐसा जीवन जिए, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर वापस कर्म का बंध होता रहेगा, मोह माया के अंदर कर्मों का बंध बहुत ज्यादा होता है, तो बचना तो चाहिए कि नहीं? तो हम काय क्लेश, जैसे अभी साधु संत 15-20 किलोमीटर का विहार करे तो उनको भी तो काया का कष्ट ही है ना। शरीर तो शरीर है, आप देखिए साधु साधु जी सब उठा करके अपना उपधि कपड़ा सामान जो है वो उठा करके विहार करते हैं, चलते हैं, उनको भी कैसे करना पड़ता होगा, वो कैसे करते हैं? तो ये बहुत अनिवार्यता है, इसको हम अगर समझने चले तो काया को इम्पोर्टेंस कम रहेगा, शरीर को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ये लक्ष्य आ गया। अब इसी के साथ में आप चलिए अंगों पांगों की शलीनता, ये अंगों पांगों की शलीनता लेकर के हम शरीर को
संकुचित करते हैं, फिर कषायों को संकुचित करते हैं, मन को संकुचित करते हैं। भाई हमको इतने ऐसे शरीर चाहिए, ऐसा नहीं। आपका कॉट्स एंड बेड जो है वो 6 फीट बाय 6 फीट है, 7 फीट बाय 7 फीट है। अरे भाई हमको जगह चाहिए कितनी था सोने के लिए, जस्ट वी वॉन्ट ओनली द 2.5 फीट बस। जरूर क्या है, हमको कितनी फैलानी है। ऐसे करते करते आप कई प्रकार से जो है वह कर्मों का क्षय कर सकते। फिर आग्रेश की संलीनता करिए, क्लेश कषाय के भाव भी आप घटा सकते हो। अब आइए आप 6 प्रकार के अध्ययन करता। अब इन 6 प्रकार के अभ्यंतर तर्क के अंदर आपको ये देखना है, नंबर 1 तो ये क्या है, प्रायश्चित है। आत्मा को प्रायश्चित लेकर के हम कैसे कर्म बंधन से मुक्त कर सकते, ये जरूरी है। पाप तो हो गया है, मुंह में से बोल गए, सब क्लेश कषाय हो गया है, राग द्वेष हो गया है। अब शब्द अब्यूजिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग तो क्लेश कषाय होना ही होना है। अब वहां पर आपने सबसे पहले ही प्रायश्चित कर देखे, ठान लिए कि मैं अपने पाप कर्मों को धोने के लिए पाप का प्रायश्चित, वॉट एवर आई हैव कमिटेड रॉन्ग मैं आप उसका कन्फेस करूंगा और गुरु महाराज से पनिशमेंट लेकर के पिसाब पूरा करूंगा, तो बरोबर कर्म क्षय होता है। उतने पाप का सहेतुक आपने किया तो जरूर होता है। हाँ जी, ये जो है विनय गुण है, नम्रता है, नमस्कार वृत्ति है, जस्ट गो डाउन इन द फेट, ये हमें जो मुख्य लक्ष्य लेकर के करना है ना, वो ये बात है सा। अगर इस तरह से हम करते हैं तो निश्चित ही कर्म क्षय हो। अब देखिए उपवास शामिल नहीं होते हुए भी विनय है, विवेक है, नम्रता चाहिए। जीवन के अंदर आपको पहले किस तरह से आप पालन करते हो वो चाहिए था। नंबर 3 पर ये जो है वैयावच, भाई कोई भी किसी की सेवा कर, बाल है, ज्ञान है, तपस्वी है, बड़े है, आचार्य श्री है, पूज्य श्री है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा भक्ति पूरी करें, अपनी तरफ से कोई कमी ना करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करना है। अब देखो कोई बीमार है, अशाता वेदनीय कर्म है, कब किसने कैसा कर्म बांधा है, कब किसने कितना कर्म बांधा है, तो भाई कर्म क्षय करने के लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे। अगर मैं बड़ा हूं या कोई छोटा है मुझे नहीं देखना है, लेकिन पहले वो बीमार है उनकी सेवा कर, मैं सिर दबा दूं, बाम लगा दो, तेल लगा दो, मालिश कर दो, ये जो है सबसे पहले लक्ष्य लेकर के हमको करना। सर्वथा लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कैसे करेंगे साथ। वैयावच के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं देखना है, जो भी है किसी को कोई भी बीमारी है, कोई तकलीफ है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी के पैर दर्द हो रहा है, किसी के, तो उस समय मैं उनकी जो उचित यथोचित सेवा है पहले करूं, कि कर्तव्य समझ कर करिए। आत्मा को खुद को ख्याल आए ना, बहुत कठिन है, ध्यान रखिए प्रायश्चित इतना लेते नहीं है लोग। आज भी बाह्य तप करने वाले अगर आपको 100 में से 60%, 70%, 80% जो भी मिल रहे हैं, अभ्यंतर के अंदर करने वाले बहुत कम मिल रहे, वैयावच करने वाले, सेवा भक्ति करने वाले कम, विनय गम वाले कम। देखिए ना,
अब हमारे यहाँ इस क्लास के अंदर साधु संत हैं, पंच महाव्रतधारी चारित्र संपन्न आत्माएं हैं, इसलिए आपको विनय गुण से वंदना करने का लाभ मिल रहा है, और एक वंदना करने से आप अपने कर्म क्षय कर रहे हो, निद्रा कर रहे हो। सभी करिए, कोई भी बारी बारी से सब करते जाइए, कोई ना नहीं है। आज इन्होंने किया कल आप करिए, आज इन्होंने किया कल और आप करिए साथ, तो आपको अदल बदल करके करना चाहिए, ये बात सही। तो ये वैयावच है, ये विनय है, ये प्रतिदिन के जीवन में होने चाहिए। उपवास आयमबिल प्रतिदिन के जीवन में नहीं होंगे। हम भी समझते हैं वो फिजिकल लेवल से करने हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से करने तो इतने ज्यादा पॉसिबल नहीं भी है। हाँ, ये चौथे नंबर पर आप देखिए स्वार्थ क्या है। देखिए स्व, यहाँ पर स्व शब्द जो दिया गया है, ये स्व फॉर अपनी आत्मा के साथ जुड़ना। अब ऐसी स्टडी, ऐसा अध्ययन वगैरह जो आप अपनी आत्मा के साथ जोड़ करके कर सको, या आत्मा को अपने उसमें इन्वॉल्व कर सके करो, तो ये अध्याय जो है, मैं स्वयं ही अपनी आत्मा का अध्याय कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। आई एम स्टडिंग माई सेल्फ टू नो अवर ओन सेल्फ। मैं स्टडी इस प्रकार के कर रहा हूँ कि मैं स्वयं अपनी आत्मा को पहचान सकूँ, ये लक्ष्य है। हाँ जी, ये जो है आपने देखा फिफ्थ वन, दिस इज मेडिटेशन, ये ध्यान साधना है। ये ध्यान साधना कौन सी है? मात्र शरीर को देखना ध्यान साधना नहीं है, आना पान को आते जाते देखना ये भी ध्यान साधना नहीं है, पहले मैं कहता हूं। तो ये अपनी तरफ से कर्म क्षय कारक जो हो, सर्व पाप नाशक जो हो, वो है ध्यान साधना, और उसमें हम बरोबर पालेंगे तो बचेंगे ऐसा नहीं। हाँ, अब ये है सिक्स्थ वन, यहाँ पर जिसको हमने नाम दिया है कायोस्थ। कायोस्थ एक आसन की मुद्रा में स्थिर बैठ करके नवकार मंत्र का जप करें, एक आसन की मुद्रा में स्थिर बैठ करके लोगस्थ का जाप करें, स्वाध्याय करें, एक आसन की मुद्रा में बैठ करके आप जो भी सूत्र आपके सामने आ रहे हैं उनके बारे में आपका चिंतन मनन विशेष रूप से चलेगा। ये छह छह अभ्यंतर लेवल के। अब ये जो है इसके अंदर आपका लक्ष्य है, एवरी डे टू डे लाइफ में आप कौन सा पाल रहे हो। इधर आपने ये बाह्य के छह जोड़े, अब एक-एक आपने जो जोड़े हैं, अनशरणम अनुदरी, ये वृत्ति संक्षेप, ये रस त्याग है, अब क्या करना है आपको? 50 मार्क इसमें से लो, 50 मार्क इसमें से लो, 100 मार्क का पेपर बन गया साहब, ये 50 मार्क ये 50। अब इसमें से आपका कौन सा हो रहा है, कौन सा छोड़ रहे हो, तो उस हिसाब से मार्क ले लो। इधर आप ये बाह्य अभ्यंतर में आए तो इसमें से आपका विच वन यू आर डूइंग परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली, वो आप उसमें लक्ष्य रख करके चलिए, आपके निजरा होगी। इधर दोनों को मिलाने से आपको ख्याल आ जाएगा साहब, ये इसके साथ में मिल सकता है, ये इसके साथ में मिल सकता है, और दोनों को मिला करके करिए और भी ज्यादा। तो ये है हेतु, ये छह और छह बाह्य अभ्यंतर जो बताए,
हाँ जी, नाने न जाने भावे दर्शन ये सत्य है, चरित नहीं तबे नया परिशुद्ध ही। भगवान को गौतम स्वामी शिष्य भगवान को पूछ रहे, हे भगवत नाने न जाने भावे, ज्ञान से आत्मा क्या करती है, दर्शन से आत्मा क्या करती है, चारित्र से आत्मा क्या करती है, और अनंत वीर्य से आत्मा क्या कार्य क्या करती है। था दोनों के अंदर गुण और गुण के साथ में बरोबर दोनों के हेतु बताया था। तो महावीर ये कह रहे हैं कि नाने न जाने भावे, ज्ञान से आत्मा तत्वों को जानती है पहचानती है, दर्शने नये सद है और सम्यक दर्शन से उन पर श्रद्धा रखती है। चरित्रेण निघिन्नाय, चारित्र से आत्मा संवर करती है, निग्रह करती है, एक्सेस अतिशय ज्यादा जो है उसका हमें त्याग करना है। और उसके बाद तबे नय परिशुद्ध ही, तप धर्म से आत्मा विशुद्ध बनती। जस्ट यू आर बॉइलिंग द सो गोल्ड आल्सो, लेकिन यहाँ पर तो एकदम प्यूरिफाई बनती है। दोनों बात यहाँ अलग अलग तरीके से बताई। यहाँ पर ये जो है 28th चैप्टर, हाँ जी, कविता पूर्व कम्मा इम संजमेण तवेण सब दुख परिण था नक्वंती महेशिनो। तो ये जो है देखिए 12 ही प्रकार का तप धर्म करके तो संसार की अनंत आत्माएं मोक्ष में गई। कई आत्माओं ने कर्म क्षय किया, तब धर्म के भी किस तरह से कविता पूर्व कम्मा एम संयमेण तवेण सब दुख पैर पक्कमंती महेशिनो तिप्पेमी। इस तरह से इन्होंने भी कहा है कि पूर्व कर्मों का क्षय किया, संयम तप से साधना की है, सब दुख परिणत सर्व दुखों का कारक नाशवंत किए कर्म पक्कमंती महेशिनो। इस तरह से यहाँ पर ये स्पष्टता करके ज्ञान दर्शन चारित्र के भाव को प्रकट किया है। हाँ जी विजय भाई, ये ऑलरेडी 36 श्लोक का जो है वो यहाँ पर बरोबर पूर्ण किए। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट द 19th चैप्टर, 19वां क्लास जो है वो जो है परमात्मा के शैल पराक्रम का ऐसा स्वाध्याय है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। सब बोलिए। हाँ गिरीश भाई काका पूछो हाँ सुबह। जी, स्वाध्याय માટે સવાલ હતો કે આપણે અત્યારે જે ગુરુ ભગવાનની વાણી સાંભળી છે તમારી પાસે, સાહેબ આપણી પાસેથી, તો એ પણ સ્વાધ્યાય કહેવાય. અને તમે ગાથા બી ગોખતા હો કે આપણે ધર્મનું કંઈ વાંચતા હો તો એ પણ સ્વાધ્યાય કહેવાય. હા બરોબર છે, બરોબર. રાઈટ. અને એમાં બસ બસ મારે એ જ જાણવું હતું. મથેર મંદાવી હા દરમિયાન સાહેબજી, ઇસ ચેપ્ટર મેં કાફી કોન્સેપ્ટ્સ આયે હૈ તપ કે, તો ઉસકે પ્રશ્ન ભી શાયદ આયેંગે, તો નેક્સ્ટ નેક્સ્ટ જો લેક્ચર હૈ ઉસમે થોડા પ્રશ્ન ઉત્તર કા ટાઈમ રખેંગે, ક્યોંકિ જરૂર જરૂર પહેલે રહે. બહોત ડિસ્ટિંક્શન હૈ, જૈસે સ્વાધ્યાય પૂજા ઓર સ્વાધ્યાય યે ઇસી મે આ એક હી મે આતે હૈ, પીછે પૂજા તો યહાં કહીં નહીં, મતલબ અલગ સ્થાન તો નહીં દિયા ગયા હૈ, લેકિન સ્વાધ્યાય निद्रा કા સ્વરૂપ धर्म હૈ. की बात चल रही है, तप धर्म की बात चल रही है, निद्रा कारक धर्म की बात चल रही है, वहां पर दूसरी जगह पर आएगा पूजा का। जी आप मिक्स मत करिए, इसके प्रश्न इसी में उठाइए था। जी सर जी. और बाह्य तप में जो दूसरा अपने डिस्टिंक्ट ध्यान और कायोत्सर्ग में क्या डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस? हाँ वो भी कर ले, अच्छा हाँ, वैसे 2-3 प्रश्न आएंगे, मैं लिख ले लूंगा और आपको जरूर बता जरूर, हाँ दूंगा. जरूर। जी सर. नमोरियंतानम सिद्धानम नमो वच्छायानम नमो ये सब बताओ एस पंच नमकार सब पाप पणसम मंगलानम च सर्वे सिम परमम हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोले भद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पद्म तोदम मंगलम
वर्तमान साहुलो वर्तमान सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं दम्भं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्मं चैनं जयति शासनं। धर्मलाल बहुत बहुत आश्चर्य मैं धर्म भी अपने विहार में खूब शाता रहे धर्म दामी। कृतज्ञ।